अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारा टॉपिक है नॉन मटेरियल पोल्यूशन। ऊपर जो हमने पढ़ा है वो मटेरियलिस्टिक पोल्यूशन था और ये अब नॉन मटेरियलिस्टिक पोल्यूशन है। दोनों में फर्क क्या है? मटेरियलिस्टिक पोल्यूशन वो पोल्यूशन होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें पता है जो कि हम टच वगैरह कर सकते हैं, मतलब मटीरियल वगैरह सही है ना। जो नॉन मटीरियल होता है वो आपको नजर वगैरह नहीं आएगा, जैसे रेडिएशन वगैरह से होता है, नॉइस वगैरह से होता है। ना आपको रेडिएशन नजर आती है ना आपको नॉइस नजर आती है। तो ये है इसके अंदर देखिए रेडियोएक्टिव रेडिएशन पोल्यूशन क्या होता है। आपको पता है कि कॉस्मिक जो रेडिएशन होती है जैसे सन से जो आती है एक्सरेज वगैरह रेडियो के पास होते हैं, ये क्या करते हैं, ये आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को आयनाइज कर देते हैं। क्या करते हैं? आयनाइज कर देते हैं। जैसे गामा रेज वगैरह ये सारे आज वगैरह, तो ये आपके लिविंग टिश्यू से क्या करता है, डैमेज करता है। किस तरह, आसान तरीके बताते हैं। देखें फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक एलिमेंट है और ये उसके अंदर क्या मौजूद है, इसका न्यूक्लियस है, ये इसका वो मौजूद है इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब ये कोई यहाँ पे गामा रहेगा या एक्सरे या जो भी है, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है सही है ना। तो ये क्या करेगा, ये जब ये हाई आएगा तो ये इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल देंगे और कट से वायर कर देंगे। तो ये जो आपके पास बनेगा ना, ये क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा। जब किसी के अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वो बनता है, क्या कहलाता है, मैं भूल गया नाम, यानी कि वो अब रिएक्टिव बन जाता है। जब रिएक्टिव बनेगा तो आपकी बॉडी के अंदर जाके नुकसान पहुंचाएगा सही है ना, आपको आपके ऑर्गेन को डैमेज करेगा। तो इस तरह से ये सारा काम हो जाएगा सही है। नॉइस पोल्यूशन की बात करें, नॉइस हम आसान बोलते हैं अनवांटेड साउंड। आप लोगों ने नॉइस और एक और चीज होती है म्यूजिक, दोनों में फर्क पड़ा होगा। म्यूजिक वो होता है भाई जिसकी फ्रिक्वेंसी वगैरह बिल्कुल सही चल रही होती है, फ्री रेडिकल। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। हाँ, फ्री रेडिकल बनते हैं वो, फ्री रेडिकल क्या करेंगे, नुकसान पैदा करते हैं। अच्छा, म्यूजिक और क्या नाम है नॉइस का आपसे फर्क होगा। म्यूजिक क्या होता है भाई, जिसकी फ्रिक्वेंसी वगैरह सही बिल्कुल सही चल रही होती है, पिच भी सही चल रहा होता है, तो आप लोगों को सुनने में मजा आता है। जबकि जो नॉइस है वो यूं करके आ रहा है, फिर यूं करके जा रहा है, फिर इधर आ रहा है, फिर यूं करके जा रहा है, उसको पूरा का पूरा हालत टाइट पड़ी होती है, तो वो आपको खराब कर देता है सही है। डेसिबल जो स्केल होता है नॉइस 80 अबव डेसिबल होगा तो वो हम क्या करेंगे, लाउड और अनकंफर्टेबल, हम उसको क्या करेंगे वो करेंगे क्या नाम है, तो एमसीक्यू में आएगा कि 80 डेसिबल से या ऊपर या उससे नीचे होगा तो क्या होगा। तो 80 डेसिबल से जो नीचे होगा वो हमारे पास नॉइस नहीं होगा, जो 80 डेसिबल से अबव होगा वो नॉइस होगा, वो हमारे लिए अनकंफर्टेबल होगा। और इसको हम डेसिबल में ही क्या करते हैं टीचर का मतलब यूनिट इसका यही है सही है। ये इसका नहीं कुछ लिखे हमें यहाँ पर, डेसिबल स्केल है और कॉमन नॉइज सोर्सेज है। ये यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हुई इसके अंदर पढ़ लेना क्या क्या है। यहाँ पर लीफ है, थ्रेश होल्ड ऑफ हेयरिंग है, ये हमारे पास सिंपल है, इसके नीचे हम नहीं सुन सकते। ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियो है, मेरी आवाज बंद हो गई पता नहीं। ये लाइब्रेरी है, बिल्कुल क्वाइट होती है, वेरी क्वाइट है। देखें ये मॉडरेटली लाउड हो जाती है जब हम बात करते हैं या वैक्यूम चलता है या तो ज्यादा हो जाते हैं, फिर ये वेरी लाउड हो गया। या ट्रैफिक होता है या मोटरसाइकिल बहुत तेज से जाती है या सबवे स्टेशन वगैरह होते हैं, तो ये डेंजरस की तरफ चला गया, मतलब बहुत ज्यादा। ये रॉकेट वगैरह जाता है सही ना, जेट जेट जा रहा होता है, या थ्रेशोल्ड ऑफ पेन एंड निमोटिक, ओ अंदाजा लगाओ कितना ज्यादा दर्द होता है इसके द्वारा, कितनी ज्यादा चिल्ला सकते हैं रखा लेंगे किस स्टाइल का। तो ये सारे वो चीजें जो कि हमारे पास अनकंफर्टेबल है। लास्ट में लिखा है प्रोटेक्शन कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, वही दोबारा चीज लिखी कि हम किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज वगैरह अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें, खासकर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वगैरह हम अच्छी तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो इससे बचेगा। पोल्यूशन कंट्रोल भी हम कर सकते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर कुछ चीज़ें लिख, अच्छा ये आते नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, खैर इतना इसको अगर आप छोड़ना चाहो तो छोड़ लो। बाकी रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वगैरह भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी आपने बात की हम इसको रिसाइकल कर सकते हैं सही तरीके से सही है ना। जब पोल्यूशन कंट्रोल के अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बचेले वगैरह बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, तो ये कुछ लिखे हैं आप इसको पढ़ लेना, आप यहाँ पर बचेले के नाम लिखे हुए, अगर आप इतना पढ़ के जाएंगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वरना तो मेरे ख्याल में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ऑर्गेनिज्म एंड हैबिटेट वगैरह को लेकर, जिस आपके पास रिजर्वर है, डैम वगैरह पे इसका पानी वगैरह को स्टोर कर सकते हैं, तो ऑर्गेनिज्म वगैरह को हम क्या करेंगे, अल्टीमेटली वो करेंगे कंजर्व करेंगे, वरना अगर ये पानी वगैरह खत्म हो गया तो आप भी गए। नेक्स्ट आपके पास लास्ट है हेल्थ एंड डिजीजेज, यहाँ पर दो डेफिनेशन आपको बताता हूँ, एक है हेल्थ की एमसीक्यूज में आ जाती है या पेपर में आ जाती है, हेल्थ की डिजीज भी आती है और हेल्थ की डेफिनेशन भी आती है, डिजीज की भी आती है। हु आपके पास वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसको डिफाइन किया था, कंडीशन ऑफ फिजिकल मेंटल वेलबींग, ये क्या कहलाता है, हेल्थ की डेफिनेशन है कि फिजिकली बंदा सही हो और मेंटली भी बंदा सही हो सही है ना, ये कहलाता है हेल्थ की डेफिनेशन।
और डिजीज क्या होते हैं, एबनॉर्मल कंडीशन जिसके अंदर एक ऑर्गेन या कोई पार्ट ऑफ ऑर्गेन जो है उससे काम ना करे वो क्या कहलाता है, डिजीज कहलाता है। डिजीज जन हम अलग कैटेगराइज करते हैं, इन्फेक्शियस हो सकती है, पैरासाइटिक हो सकती है, न्यूट्रिशनल हो सकती है, जेनेटिक हो सकती है, एजिंग हो सकती है, सही है, अलग अलग तरीके हैं। यहाँ पर कुछ यहाँ पर लिखे हुए देखो, इन्फेक्शियस डिजीज जो कि इन्फेक्शन से होती है किसी न किसी ऑर्गेनिज्म से होती है, तीन चार किस्म के ऑर्गेनिज्म होती है, एक होते हैं वायरल, एक होते हैं बैक्टीरिया, एक होते हैं फंगल, और इसके अलावा प्रोटोजोअल भी आ जाते हैं आपके पास, सही है, ये आपके पास है। अब देखिए यहाँ पर कुछ लिखे हैं, मैं एग्जाम्पल बताते जाता हूँ। इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा वायरस की होती है, एड्स एचआईवी से, हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस वायरस की होता है, चिकन पॉक्स, वर्सिला जोस्टर वायरस के होते हैं, रेबीज है, रेबीज वायरस के होते हैं। ट्रांसमिशन है कि भाई एयर बोन के जरिए जाती है, ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है, शेयरिंग हाइपोडर्मल नीडल्स वगैरह मदर को कैच ली जाती है, ये इन्फेक्टेड वाटर या ब्लड वगैरह ट्रांसफ्यूजन के जरिए हो सकता है, ये एयर बोन के अंदर जा सकते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टैक्स से भी चिकन बॉक्स जा सकती है, और ये इन्फेक्टेड डॉग के बाइट से जा सकती है। बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, ट्यूबरक्लोसिस आपको पता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो होती है, ये एयर बोन हो सकती है या काऊ मिल्क के अंदर भी ये मतलब ट्रांसमिट हो सकती है। टाइफाइड फीवर है, सलमोनेला टाइफस हो सकता है, टाइफोस होता है, टाइप ही होता है। ये फूड और ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड, ऐसा फूड वगैरह खाना या पीना पानी को जो कि बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड फीसिस वगैरह से गंदा हो चुका हो, तो ये हम बाबू से खाएंगे तो टाइफाइड हो जाएगा। निमोनिया है, ये आपके पास एयर बोन का मतलब होता है जो कि हवा के अंदर जा सकते हैं, हवा के अंदर ट्रेवल कर सकते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, एयर बोन ड्रॉपलेट से वो एयर बोन के अंदर जाएंगे, ये मतलब किसी बंदे को निमोनिया और आपको वो छींकते तो आप वो एयर मतलब एयर के जो ड्रॉपलेट्स होंगे उसके अंदर आपके पास भी आ जाएगा। कोलरा है, कोलरा से होता है, फूड और वाटर कंटेमिनेशन से हो सकते हैं, दोबारा वही है। फंगल है, टीनिया कॉर्पोरिस या रिंग वॉर्म है, ग्रुप ऑफ डर्मेटोफाइट्स है, मतलब डर्मेटोफाइट्स की क्लास है, ये भी इन्फेक्टेड पर्सन अगर आप कॉन्टेक्ट करेंगे एनिमल को तो उससे ट्रांसफर हो जाएगा। फिर टीनिया वेरिसिकोलर है, ये एक अनदर ग्रुप है डर्मेटोफाइट्स, यहाँ सब मैं डर्मेटोफाइट के लिए जाएंगे, ये भी एनबोन कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी एनबोन कॉन्ट्रैक्ट है। ये टीनिया पेड़े से एथलीट्स फूड कहलाती है, आप लोगों ने देखा भी होगा फर्स्ट ईयर के अंदर, वो बड़ा पेयर आ जाता है, उसका बड़ा पेयर बन जाता है। एक प्रोटोजोवल है, मलेरिया है, प्लाज्मोडियम से होता है, आपको पता है, एमबीएसिस है, एंटेमीबा हेमोलाइटिका से होता है, लेशमेनियासिस है, लेशमेनिया से होता है, ट्रिपनोसिमियासिस है, ट्रिपनोसिमस से होता है, सही है ना, इसको अफ्रीकन स्लीपिंग डिस्थिकनेस भी कह सकते हैं, में आ सकता है, इसमें एमसीक्यू में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। इन्फेक्टेड फीमेल अगर आपको काटे है मच्छर तो उससे हो सकता है, ये फूड और वाटर कंटेमिनेशन से हो सकता है, ये दोबारा वही सैंड फ्लाई वगैरह जो आपके पास होती है अगर वो आपको काटे है तो उससे हो सकता है, ये वही दोबारा एक किस्म की फ्लाई है, सी फ्लाई अगर वो आपको काटेगी तो वो उससे बीमारी पड़ेगी। ये बेसिकली इसका वेक्टर का काम करती है, उस ऑर्गेनिज्म को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रही होती है। पैरासाइटिक में आपके पास है हेलमेंटिक डिजीज है, टेनियसिस है, टेनियसिस जेनेटस से होता है, आपने ऐसा फूड लिया जिसके अंदर खास खासकर अंडर कुक बीफ वगैरह लिया तो उसके अंदर ये मौजूद होता है तो आपकी बॉडी के अंदर जा सकते हैं, ऐसे एग हो सकते हैं अगर आप अनकुक फूड पाएंगे तो। हाइड्रेटेड डिजीज है, ये इकोनोकोकस और ग्रेन्यूलोसस के अंदर हो सकता है, ये वही डॉग्स वगैरह की फीसिस के अंदर इसके जो अंडे पड़े होते हैं तो ये आपको उससे निकल सकते हैं। इंटरबियोसिस है, ये वही दोबारा एक ऑर्गेनिज्म है, इंटरबियोसिस वर्मिकुलेरिस, ये प्री एनल रीजन जो होता है आपके पास एनल से पहले का, उसके अंदर उसके एग मौजूद होते हैं, सही है ना, इंजेक्शन ऑफ एग्स रिलीज। फिर एस्केरियासिस है, एस्केरियासिस लिम्फोकाइट्स की वजह से होता है और ये इंजेक्शन ऑफ एग्स, अगर आप इसके अंडे जो है वो इंजेस्ट, अब आप कहीं सर इंजेस्ट पॉइंट क्यों करेगा, तो भाई ये डस्ट पार्टिकल के अंदर जा रहा ट्रेवल करके आपके बॉडी के अंदर चले जाता है। फिर हम आते हैं न्यूट्रिशनल डिजीजेस के ऊपर, न्यूट्रिशनल डिजीजेस के ऊपर, और ये है वाइटामिन, सही है ना, पहला वाला है वाइटामिन की डिजीज की, सही है ना, ये बी नहीं है बेसिकली, यहाँ पर ये ए ही है, हेलमेंट यही खत्म होता है, ये अलग है, सही है ना। नाइट ब्लाइंडनेस होती है, वाइटामिन ए की कमी की वजह से, बेरी बेरी वाइटामिन बी वन की कमी से, स्कर्वी वाइटामिन सी कमी से, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से, सही है। फिर न्यूट्रिशनल डिजीज के अंदर एनीमिया है जो कि आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होती है तो विटामिन के की कमी है, टूथ दिक है तो क्लोरीन की कमी है, वाटर है तो आयोडीन की कमी है, सही है आपकी बॉडी के अंदर। फिर यहाँ पर अगर हम आते हैं जेनेटिक डिजॉर्डर जो कि कॉन्जेनिटल है, पैदाइशी है, सिकल सेल एनीमिया है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन है आपको पता है, हीमोफीलिया है तो ब्लड ग्रुप के अंदर एक प्रोटीन होती है फैक्टर, ब्लड ग्रुप सॉरी प्रोटीन फैक्टर नंबर 8 होता है, अगर उसकी कमी हो तो उससे हो जाती है। एल्बिनिज्म है, ये भी एक बीमारी है, एल्बिनिज्म भी एक बीमारी है जो कि आपको क्या नाम है आपके स्किन या आईज या हेयर के अंदर या ना क्या नाम है आपकी पिगमेंटेशन खत्म हो जाती है। एल्बिनिज्म मैं आपको दिखाना चाहूंगा रुपये, बाकी तो आपको पता ही होगा लेकिन एल्बिनिज्म मैं आपको दिखाऊँ, इससे आप लोगों ने देखा होगा वो जो ऐसे बंदे होते हैं ना जो बिल्कुल व्हाइट व्हाइट वाले होते हैं, ये देखें इसके हेयर देखें, इसके स्किन देखें, ये दिस इज एल्बिनिज्म, सही है, ये बीमारी है, दिस इज एल्बिनिज्म, सही है। तो ये क्या नाम है बीमारी है और ये जेनेटिक हो सकती है, सही है,
नॉन क्रिनाइल का मतलब क्या होता है, जो कि पैदाइशी ना हो, एस्थमा हो सकता है एलर्जी की वजह से, डायबिटीज हो सकती है अगर आप इंसुलिन वगैरह आपके अंदर कम या ज्यादा हो या आपकी कुछ खत्म हो जाए। फिर एड्स रिलेटेड भी होती है कुछ, ऑस्टियोआर्थराइटिस आपको पता है, कार्टिलेज वगैरह जो ज्वाइंट वगैरह के चक्कर में तरीके मैं बता चुका हूँ, उसके डिजनरेशन से हो सकता है। अल्जाइमर डिजीज है अगर आपकी न्यूरॉन्स वगैरह डैमेज करे, सही है। स्टूडेंट ने पूछा बेरी बेरी क्या है, तो मैं बेरी बेरी बताता हूँ आप लोग को, यहाँ पर दिखा देता हूँ, बेरी बेरी नजर आ रहे हैं, ये होती है बेरी बेरी, स्किन के ऊपर पूरे के पूरे पैचेज वगैरह बन जाते हैं पूरे स्किन के ऊपर, बल्कि यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर ये ड्राई बेरी बेरी है, बिल्कुल ड्राई बेरी बेरी का मतलब होता है बिल्कुल आपको खुश कर देती है, आपके अंदर रहना बिल्कुल ही खत्म सब कुछ, सही है। इसके अलावा ये बेसिकली बेरी बेरी के अंदर क्या होता है कि आपके अंदर ये प्रॉब्लम की वजह से, अगर इसको मैं डेफिनेशन की तरफ खोलूँ, एक ड्राई होता है एक वेट होता है, ठीक है। योर बॉडी नीड्स टाइमिंग टू ब्रेक डाउन एंड डाइजेस्ट द फूड यू ईट टू कीप योर मेटाबॉलिज्म गोइंग एंड हेल्प योर मसल्स, बेरी बेरी कैन अफेक्ट द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हाँ दो किस्म के सिस्टम को खराब करते हैं, कार्डियोवास्कुलर एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो उससे आपकी सिग्नलिंग वगैरह के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मतलब आपको ब्लड ट्रांसपोर्ट वगैरह के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, तो ब्लड वगैरह नहीं जाएगा तो आपकी पूरी की पूरी बॉडी खराब हो जाएगी, सही है ना। ये देखिए बेरी बेरी है जिसमें दाने वगैरह निकले हुए हैं, ये देखें इस तरह होती है इसमें, सही है। ये थायमिन डेफिशिएंसी है, विटामिन B1, थायमिन कहते हैं B1 को, सही है। तो इस तरह भी आप खराब हो सकते हैं, मतलब वो सॉरी मतलब बेरी बेरी वन मतलब अंदर, ये देखिए दो किस्म की होती है, वेट एक होती है ड्राई, ड्राई के अंदर वही है पूरे के पूरे बंदा ड्राई हो जाएगा, और वेट के अंदर वो हार्ट फेलियर का आउटपुट खत्म हो जाएगा, एडिमा हो सकता है, बड़ी प्रॉब्लम और भी क्रिएट होती है, तो अल्लाह बचा अल्लाह सबसे सब बीमारी से बचा, सारी बीमारियाँ खराब, ये हो गया। अब लास्ट आपके पास है कि हम, अच्छा ये भी आप सोच आ सकते हैं कि हम डिजीज की प्रिवेंशन किस तरह कर सकते हैं, तो जो पैथोजन होता है आप उसको क्या नाम है उससे बचे, और प्रिवेंशन मेजर किस तरह से है भाई कि आप अपने कम्युनिटी वगैरह को बचाएं इससे भी, मतलब आप ज्यादा से ज्यादा उसको फैलाए, सबक फैलाए कि भाई ये प्रॉब्लम है, बाकी इसका जो वेक्टर है आप उसको देना खराब कर, जो जिससे वो बंदा मतलब जिससे वो बैक्टीरिया वगैरह आगे बढ़ रहा है या फिर वो उसको ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है उसको आप किल कर दें, या पैथोजन वगैरह जो भी है उसको जना क्या कर दो किल कर दो, सही है ना। जितने पैथोजन या वेक्टर को किल कर दो उसको कंट्रोल करो तो आपको ये बीमारी नहीं होगी, उससे आप बच सकते, शॉर्ट फॉल में आ सकते हैं इस सवाल, सही है।